दोस्तों सलमान सर ने इस बार दोस्तों अच्छे से क्लास लगाई दिल के रूम वालों की दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले तो मुनावर को बोला गया है कि जब से आप दिल के रूम में गए हो आपका डिमोशन हो चुका है, अगर इसी तरह से चलता रहा आप शो से बाहर निकल जाओगे। और इसी बात पे मनारा ने एग्री की, क्योंकि मुनावर अपने रिश्तों को लेके बहुत वो हो रहा है, अभी सबके साथ बन के वो चल रहा है। तो फिर मनारा को भी सलमान सर ने बोला, क्या आप अपने रिश्तों को लोगों लेके क्लियर हो? नहीं तो आप दूसरों पे क्यों उंगली उठा रहे हो? यहाँ पर दोस्तों बात क्या है पता है, मनारा जो है बिग बॉस शायद ये चाहते हैं कि मनारा मुनावर की पीठ के ऊपर तक पहुँचे ग्रैंड फिनाले तक, है ना। मनारा मुनावर के पीठ के ऊपर बैठ के ग्रैंड फिनाले तक पहुँचे ये चाहते हैं, क्योंकि ये शहनाज गिल और निमरित कौर वाला यहाँ पर होगा, जो मनारा जो है वही होगा। और मनारा जो है वो बहुत बहुत शातिर खेलती है, वो बहुत शातिर खेलती है वो, मतलब वो यूके राइडर के सामने मुनावर की बुराई करेगी, मुनावर के सामने वो यूके राइडर की बुराई करती है, और वो ऐश्वर्या के सामने अंकिता की बुराई करती है, अंकिता के सामने ऐश्वर्या की बुराई करती है, इधर की उधर जो है वो बहुत वो कर रही है वो। और हाँ गेम तो यही है दोस्तों, गेम तो यही है इधर उधर बात करना, लेकिन वो बहुत छाती तरीके से गेम खेल रही है। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ मनारा का, मनारा के फैंस बुरा मत मानिए, आप लोग फिर बुरा मान जाते हैं। तो थेरेपी दी जा रही है मुनावर और उसको मनारा को कि अब दोस्तों मुनावर जो है वो मतलब देखिए वो कोई भी मतलब वो ज्ञान दे रहे हैं ना, ज्ञान दिया जा रहा है सबको, वो ज्ञान देते रहते हैं। सलमान सर ने पहले भी एक एपिसोड में उनको बोला तू ज़्यादा ज्ञान मत दे सबको, है ना, अपना गेम खेल। तो यहीं पे ये भी कहा सलमान सर ने कि पहले लोग अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, गोविंदा और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके फ़ोटो लेते थे, उनके साथ ऑटोग्राफ लेते थे और उनके साथ फ़ोटो लेते थे, और जो फैंस है वो लेते थे और उन फोटो को दिखा के फैंस को काम मिल जाता था पहले। जी हाँ, तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते कि जो बाबू भैया है वो सलमान सर के शो पे आके सलमान सर के साथ ब्लॉग करके वो खुद का नाम कमाना चाहते हैं। जी हाँ, तो ये इनडायरेक्टली बाबू भैया को बोल रहे थे वो। तो बिग बॉस जानबूझ के चाहते हैं कि मुनारा जो दिया गया है नाम, जो मनारा है वो मुनावर की पीठ के ऊपर बैठ के फिनाले तक जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मुनावर जो है वो अभी स्टैंड नहीं ले रहा है ना, सबके साथ बना के चल रहा है। एक टाइम तक ये ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक सबके साथ बना के रखना दोस्तों मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, जैसे हितेन तेजवानी ने किया था लेकिन वो शो जीत नहीं पाया। फिर संग्राम सिंह सीजन 7 में सबके साथ बना के रखा लेकिन वो चला गया ना, वो नहीं हो पाया। एक लंबे टाइम तक आप लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, स्टैंड नहीं लोगे तो फिर आपका निकल जाएगा आपका, है ना। तो बिग बॉस समझाना चाह रहे कि मतलब कि अंकिता से लड़ो, विकी से लड़ो, है ना, लट बजाओ, यही चाहते हैं कि मुनावर स्टैंड नहीं ले रहा है। तो यही है कि मुनावर पीठ पीछे बहुत बोलती है मनारा लेकिन सामने नहीं बोलती है, लेकिन वो कुछ स्टैंड नहीं ले रहा है ना वो, यही मुनावर का मतलब मुन्ना कोई स्टैंड नहीं ले रहा है ना। तो यही है प्रॉब्लम, तो यही है दोस्तों। मनारा जो है वो बिन पहनदी का लोटा है अब, है ना, ना इधर की है ना उधर की, यही है। चलिए दोस्तों थैंक यू, वीडियो इतना ही था, यही क्लास ले रहे थे सलमान सर मुनावर का। मुनावर को अपना गेम सुधारना पड़ेगा, वो सबका स्टैंड ले रहा है ना, ऐसे तो नहीं होगा। चलिए।